जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ कल हमने बात की थी सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन कौन से गिने जाते हैं। प्लेसमेंट्स की बात हमने नहीं की, हमने सिर्फ योग कारक ग्रहों की बात की कि कौन से घर का मालिक सिंह लग्न की कुंडली में योग कारक गिना जाता है, जिसमें सूर्य देवता आए, बुध देवता आए, मंगल देवता आए और बृहस्पति देवता आए। तो आज इसी श्रृंखला के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे सिंह लग्न की कुंडली में मारक ग्रह और सम ग्रह कौन कौन से होते हैं, सम ग्रह एक ही होता है इसमें, और कौन से ग्रह इसमें मारक गिने जाते हैं। दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, कभी भी किसी भी लग्न कुंडली में मारक ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता, वो सदैव उस जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो शरीर को ही ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। जो लगन आपका शरीर है उसे ही वो डिक्रीजिंग वे में ले जा कर के ख़त्म करने की काबिलियत अपने अंदर रखता है। तो इस लगन कुंडली में सबसे पहले बात करेंगे सिंह लगन की कुंडली में शुक्र देवता को सूर्य देव ने कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए। ये सिंह लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 5 नंबर लिखा है। सूर्य देवता ने शुक्र देवता को मेहनत, छोटे भाई बहन, छोटी मोटी यात्राएं, छोटी मोटी मेहनत करवा करके, हार्डवर्क करवा करके, खपाने का डिपार्टमेंट, भाग दौड़ का डिपार्टमेंट, ये सारा शुक्रदेव को दिया। और सूर्य देव ने शुक्रदेव को काम काज का डिपार्टमेंट दिया, आपका प्रोफेशन, आपका लाइफस्टाइल, आपके एक्शंस, आपका यानी कर्म दिया। तो शुक्र देवता को कर्म का डिपार्टमेंट और मेहनत का डिपार्टमेंट सूर्य देव ने दिया। लेकिन शुक्र और सूर्य आपस में अति शत्रु हैं, क्योंकि ये सूर्य देवता देवताओं में आते हैं और शुक्राचार्य दानवों में आते हैं। इसकी वजह से ये एंटी पार्टी माने जाते हैं या अति शत्रु भी माने जाते हैं। तो शुक्र देवता को डिपार्टमेंट तो दो ठीक मिल गए हैं, लेकिन लग्नेश का शत्रु होने की वजह से इस लग्न कुंडली में शुक्र देवता सम हो जाते हैं, यानी एवरेज प्लैनेट माने जाते हैं। और एवरेज प्लैनेट की डेफिनेशन ये होती है, जहाँ बैठना, जहाँ देखना, जहाँ जाना, उस घर के मुताबिक रिजल्ट देना। अगर वो अच्छे घर में चला गया है तो अच्छा रिजल्ट देगा, अगर बुरे घर में चला गया या शत्रु के घर में चला गया है तो वो बुरे रिजल्ट देगा। तो शुक्र देवता सिंह लग्न की कुंडली में एक समग्रह की पदवी लेकर के बैठे हैं, और समग्रह का मतलब ये होता है कि लग्नेश का शत्रु और दो ऐसे घरों का मालिक जो इंसान अपनी जिंदगी में चाहता अवश्य है। दर्शकों, आगे बात करते हैं, सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य देवता ने शनि देव को क्या दिया। शनि देव को छठे भाव का मालिक बनाया, यानी रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन, इन सब भावों का मालिक बनाया, या इन इस भाव से ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। और सातवें भाव का मालिक बनाया, जो कि अष्टम टू अष्टम थ्योरी के मुताबिक अति मारक भाव बन जाता है अगर वो लग्नेश का अति शत्रु हो तो सातवें भाव से दाम्पत्य सुख, पार्टनरशिप, डेली वेजेस हम देखते हैं। लेकिन सूर्य देवता ने जो दोनों डिपार्टमेंट ही शनि देव को दिए, तो शनि देव इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह माने जाते हैं, अति मारकित्व की पदवी मिली है, क्योंकि वो लग्नेश सूरज के ही अति शत्रु हैं। अगर आपका लग्नेश यानी आप स्वयं उजाला हो तो शनि देव प्योरली अंधेरा माने जाते हैं। तो इस लग्न कुंडली का सबसे मारक ग्रह शनि देव को माना जाता है। उसके बाद प्रिय दर्शकों, बात करते हैं चंद्रमा देवता। सूर्य और चंद्रमा देवता आपस में अति मित्र तो हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी एक गड़बड़ जरूर होती है कि चंद्रमा देवता प्योरली जल तत्व है और सूर्य देव प्योरली अग्नि तत्व है। तो सूर्य देवता ने चंद्रमा को जो डिपार्टमेंट दिया, वो 12वें घर का मालिक बनाया। फजूल का व्यय होना, विदेश सेटलमेंट होना, विदेश की यात्रा होना, यहाँ से अस्पताल का खर्चा होना, यहाँ से जेल यात्रा होना, ये सारे डिपार्टमेंट ही सूर्य देव ने चंद्रमा देवता को दे दिए। तो चंद्रमा देवता भी इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बना।
एक बात प्रिय दर्शकों याद रखिएगा, बहुत सारी बुक्स में लिखा जाता है कि चंद्रमा और सूर्य को कोई 6, 8, 12 का मालिक होने का दोष नहीं लगता, लेकिन ऐसा सत्यता में नहीं है। अगर आप किसी की प्रैक्टिकली कुंडली उठाएंगे और उसकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा चलते देखेंगे या शनिदेव की दशा अंतरदशा चलते देखेंगे, तो नेचुरली बात है उस जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक होगा। हाँ, एक विपरीत राजयोग की अलग कंडीशन है, उसकी हम डिस्कशन अभी नहीं करेंगे, उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम योग कारक ग्रहों की और मारक ग्रहों की डिस्कशन कर रहे हैं। तो चंद्रमा देवता की दशा अंतरदशा में हमेशा जातक को मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, एक विपरीत राजयोग की कंडीशन को छोड़ करके। तो चंद्रमा देवता भी इस लग्न कुंडली में अति मारक ग्रह बना। एक बात और सदैव स्मरण रखिएगा दर्शकों, कभी भी गलती से, क्योंकि ये विदेश सेटलमेंट का योग 12वें घर से देखा जाता है, जो लोग अपनी नेटिव लैंड छोड़ करके फॉरेन सेटल हो जाते हैं उसके लिए 12वां घर देखा जाता है, 12वें घर का मालिक देखा जाता है। पूर्ण जिंदगी में सिंह लग्न की कुंडली में कभी भी आप सुच्चा मोती धारण मत कीजिएगा। उसका सबसे मुख्य कारण एक तो ये है कि 12वें घर से सिर्फ विदेश सेटलमेंट नहीं देखी जाती, जेल यात्रा भी देखी जाती है, अस्पताल का खर्चा भी देखा जाता है, जातक का व्यय भी देखा जाता है, वो सारी नेगेटिव बातें भी जुड़ी हुई हैं। और इस एक भाव को लेकर के आप सिर्फ विदेश यात्रा को पिन पॉइंट नहीं कर सकते, बाकी सारी चीज़ें भी साथ में एक्टिवेट होंगी और आपको पूर्णतः ज़िंदगी में नेगेटिव रिजल्ट देंगी। तो सिंह लग्न की कुंडली में कदापि आप सुच्चा मोती धारण मत कीजिएगा इस धारणा को लेकर के कि शायद आपकी विदेश यात्रा हो जाए। विदेश यात्रा हो तो हो सकता है बाद में हो जाए, हो सकता है आप सट फेट खा के अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट पहले हो जाए, हो सकता है किसी लड़ाई झगड़े में आ जाओ और जेल यात्रा करनी पड़ जाए। तो कभी भी सिंह लग्न की कुंडली में सबसे मारक ग्रह जो चंद्रमा देवता होता है उसे धारण मत कीजिएगा। जब भी उसकी दशा अंतरदशा चलेगी वो जातक को सदैव कष्ट ही देती मिलेगी। दूसरी बात प्रिय दर्शकों, जो हमने अभी शनिदेव के संदर्भ में पढ़ी, शनि देवता भी इस लग्न कुंडली में छठे भाव के मालिक हैं और सप्तम भाव के मालिक हैं और अति मारक ग्रह माने जाते हैं। अगर किसी जातक या जातिका का विवाह लेट हो रहा हो, अगर किसी ने लोन लेना हो, अगर किसी ने कंपटीशन क्लियर करना हो, तो कभी भी इस लग्न कुंडली में नीलम धारण करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके शरीर को ही ख़त्म करने की काबिलियत रखता है। जैसे चंद्रमा देवता जल है और सूर्य देव अग्नि है, वो शरीर को ख़त्म करेगा, वैसे ही शनिदेव अंधेरा है और आपका लग्न उजाले का यानी सूर्य देव का बना हुआ है, इस वजह से ये आपके शरीर को ही ख़त्म करने की काबिलियत अपने अंदर रखता है। और सबसे बड़ी बात, ये रोग ऋण कर्जा दुर्घटना मुकदमा का मालिक है। हो सकता है लोन आपका 6 महीने बाद सैंक्शन हो, लेकिन आप उससे पहले ही कहीं सट फेट खा के बेड रिडन हो जाए। तो कभी भी जो चीज़ आपके लगन की अति शत्रु हो और उसमें क्रूरता का तत्व हो या ऐसा तत्व हो जैसे ये जल तत्व हो गया आपके शरीर को ख़त्म करने वाला, तो उसे धारण करके कभी भी ज़िंदगी में अपने लिए मुसीबत मोल मत लीजिएगा, वो सदैव मार्केतव में आता है। तो प्रिय दर्शकों, आपने जाना इस लग्न कुंडली में योग कारक ग्रह बने सूर्य देवता, बुध देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता। सम ग्रह बने यानी जो एवरेज प्लेनेट वे बने, वो बने शुक्र देवता जो 10वें घर के मालिक बने और शुक्र देवता जो 3रे घर के मालिक बने। इस लग्न कुंडली में सिंह लग्न की में 2 ग्रह सबसे मारक बने, शनिदेव जो कि 6 भाव का मालिक बना और 7वें भाव का मालिक बना, चंद्रमा देवता जो कि 12वें भाव का यानी व्यय, जेल यात्रा, विदेश यात्रा, अस्पताल का खर्चा का मालिक बना और आपके लग्नेश को ही वो ख़त्म करने की काबिलियत अपने अंदर रखता है। अगर आप दर्शकों को कारक मारक सही ढंग से समझ आ जाएंगे तो कुंडली सही विवेचन में ज़रूर कर पाएंगे आप, क्योंकि चंद्रमा देवता और शनि देवता का रत्न इस लग्न कुंडली में अति मारक होता है।
चाहे उसके भाव की आपको जरूरत ही क्यों ना हो, लेकिन उसका रतन कदापि धारण करके अपने शरीर के कीमत पर कभी भी आप सक्सेस गेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप विदेश चले भी गए तो वो शरीर में ऐसी डिजीज़ डिवेलप कर सकता है कि फिर साथ में अस्पताल के खर्चे भी आपके मत्थे मर जाएंगे, वो आपको सदैव नेगेटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, जो भी कुंडली का योग कारक ग्रह होता है वो जहाँ बैठता है, जहाँ देखता है, जहाँ जाता है, उस घर की वृद्धि कर देता है। चाहे फिर वो 6-8-12 में ही क्यों ना पड़ा हो, वो 6-8-12 भावों की वृद्धि कर देता है। अगर योग कारक ग्रह अच्छी जगह प्लेस्ड होगा तो ही वो अच्छा फल देने के काबिल बनेगा, अन्यथा उसके फलों में भी सदैव कमी रहेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो भी ग्रह आप देखो, जिसकी भी दशा अंतरदशा चल रही हो, उसका डिग्री वाइज बलाबल का विवेचन अवश्य कीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके वो ग्रह जिंदगी में कितना अच्छा या कितना बुरा फल देने वाला है। उसकी परसेंटेज आपको ग्रह की डिग्री से डिसाइड हो जाएगी और उसके रिजल्ट्स आपको पता लग जाएंगे कि अगर मैं राइज करने वाला हूँ तो कितने परसेंट राइज करने वाला हूँ, अगर ये ग्रह मुझे प्रॉब्लम देने वाला है तो कितने परसेंट प्रॉब्लम देने वाला है, और कैसे पाठ पूजन करके आप उससे फारिग हो सकते हैं। तो ये सदैव स्मरण रखना है, जो आपकी कुंडली का लग्नेश है उसका अति शत्रु या उसके बिल्कुल एंटी तत्व का ग्रह जो उसे खत्म करने वाला हो, वो कदापि ये सोच के धारण नहीं करना कि ये भाव से एक ही रिजल्ट देगा। जैसे चंद्रमा देवता, इसी भाव से और 6 किस्म की चीज़ें जुड़ी हैं, वो सारे रिजल्ट आपको नेगेटिव दे सकता है। इसलिए इससे सदैव आपको वर्जित करके परहेज रखना है कि मारक ग्रह से सदैव दूर रहा जाए। उसका पाठ पूजन करके ही अगर उससे रिजल्ट भी लेने हो तो पाठ पूजन और नमन करके ही उससे रिजल्ट लिए जा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने जाना कि सिंह लग्न की कुंडली में 2 मारक ग्रह होते हैं, शनिदेव जो कि 6ठे और 7वें के मालिक हैं, चंद्रमा देवता जो कि 12वें के मालिक हैं, शुक्र देवता जो कि सम हैं। 2 अच्छे घरों के मालिक तो ज़रूर हैं, लेकिन लग्नेश से एंटी पार्टी होने की वजह से वो सम की कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस जानते हैं, उनकी पत्नियाँ देखते हैं, तो अगर आप एनालाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें देखें तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर स्टार्टिंग स्टेज में आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो अपने घर के आसपास जो भी आपको पंडित विद्वान मिले उनकी हेल्प से आप इसको जानने की कोशिश अवश्य कीजिएगा, ताकि आप सही उपाय की कैटेगरी तक पहुँच पाएँ। आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ प्रिय दर्शकों, नोट कर लीजिए। अक्सर बहुत सारे लोग जब किसी पंडित विद्वान के पास जाते हैं, सलाह मशवरा लेने जाते हैं या कुंडली का एनालाइजेशन करवाने जाते हैं, तो हमने भी प्रैक्टिकल देखा है और बहुत सारे लोग इससे सहमत भी होंगे कि 90% केसेस में प्रॉब्लम शनि, राहु और केतु देवता की दशांतर दशा, 7.5, टैया, इन सब चीज़ों की होती है। तो शनिदेव के बारे में मैं बहुत सारे उपाय आपको शुरू से बताता आया हूँ, आज एक उपाय और नोट कर लीजिए कि कभी भी जिस जातक की 7.5, टैया या शनिदेव की महादशा, राहु केतु की महादशा चल रही हो, कभी भी अपने से बड़ी उम्र वाले लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए, यानी कि आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे उसे पता ही क्यों न हो कि मैं ठीक हूँ और ये सामने वाला गलत है, लेकिन तब भी अपना टेम्परामेंट शांत रख के ही उसे बात करनी चाहिए, ताकि शनि राहु केतु का नेगेटिव प्रभाव उसकी बॉडी में एंटर ना करके उसी की मुश्किलें ना बढ़ाए। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। We'll be right back.